दूरस्थ पर्वतीय प्रयोगशाला में उस इंटर्नशिप को लेना शायद सबसे अच्छा विचार नहीं रहा होगा। उस लीवर को खोपड़ी के प्रतीक के साथ खींचना शायद इतना स्मार्ट नहीं होता, लेकिन अब पछतावे का समय नहीं है, क्योंकि आपको उन उत्परिवर्ती ज़ॉम्बी से तेजी से दूर होने की जरूरत है। आपके साथ सफाई वाला, लैब असिस्टेंट और बूढ़े प्रोफेसर है। सुरक्षित होने का केवल एक ही तरीका है, विशाल खाई के ऊपर से गुजरने वाले पुराने रोप ब्रिज से होते हुए दूसरी तरफ जाना। आप एक मिनट में वहां पहुंच सकते हैं, जबकि लैब असिस्टेंट को 2 मिनट लगते हैं। सफाई कर्मचारी थोड़ा धीमा है और उसे 5 मिनट की जरूरत होती है, और प्रोफेसर को रास्ते के हर कदम पर रस्सियों को पकड़कर चलने में पूरे 10 मिनट लगते हैं। प्रोफेसर की गणना के अनुसार वो ज़ॉम्बी मात्र 17 मिनट में आप तक पहुंच जाएंगे, इसलिए आपके पास सभी को उस पार पहुंचाने और रस्सियों को काटने के लिए बस केवल इतना ही समय है। दुर्भाग्य से पुल पर एक बार में केवल 2 ही लोग चल सकते हैं। वहां इतना अंधेरा है कि आप बड़ी मुश्किल से देख पा रहे हैं, और आपकी लालटेन एक छोटे से इलाके को ही प्रकाशित करती है। क्या आप हर किसी को समय रहते बाहर निकालने का तरीका खोज सकते हैं? एक साथ 2 से अधिक लोग पुल पार नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को या तो लालटेन पकड़नी चाहिए या उसके बगल में होनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को दोनों ओर अंधेरे में सुरक्षित रूप से प्रतीक्षा करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर किसी को उन ज़ॉम्बी के आने से पहले सुरक्षित रूप से पुल पार करना है, अन्यथा लोगों के पुल पर होने के दौरान ही पहला ज़ॉम्बी भी उस पर आ जाएगा। आप झूल कर नहीं जा सकते हैं, एक नौका के रूप में पुल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, या ज़ॉम्बी के मित्र नहीं बन सकते। शुरू में ये लग सकता है कि आप चाहे कुछ भी करते हो, आपके पास 1 या 2 मिनट की कमी होगी, लेकिन एक तरीका है। इसकी कुंजी ये है कि 2 सबसे धीमे चलने वाले लोगों द्वारा व्यर्थ किए जाने वाले समय को कम किया जाए, और क्योंकि आपको लालटेन के साथ कुछ बार लौटना पड़ेगा, इसलिए आप चाहेंगे कि ये काम सबसे तेजी से कर सकने वाले लोग उपलब्ध हों। इसलिए आप और लैब असिस्टेंट जल्दी से लालटेन के साथ दौड़ते हैं, हालांकि आपको उसकी गति से मेल खाने के लिए थोड़ा धीमा होना पड़ता है। 2 मिनट के बाद आप दोनों पार हो जाते हैं और आप लालटेन को लेकर तेजी से वापस जाते हैं। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। अब मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। प्रोफेसर और सफाई वाला दोनों लालटेन लेते हैं और एक साथ पार करते हैं। इसमें उन्हें 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि सफाई वाले को बूढ़े प्रोफेसर के साथ धीमा होना पड़ता है, जो ये कह रहे थे कि उन्हें ज़ॉम्बी को रात में देखने की शक्ति नहीं देनी चाहिए थी। उनके पार करने के बाद सिर्फ 4 मिनट बचे हैं और आप अभी भी पुल के गलत साइड पर अटके हैं। लेकिन याद रखें, लैब असिस्टेंट दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रही है और वो समूह में दूसरी सबसे तेज है, इसलिए वो प्रोफेसर से लालटेन लेती है और आपकी ओर दौड़ती है। अब केवल 2 मिनट रह गए। आप दोनों अंतिम क्रॉसिंग कर लेते हैं। खाई के दूसरी तरफ कदम रखते ही आप रस्सियों को काट देते हैं और पुल बिल्कुल सही समय पर गिर जाता है। अगली गर्मियों में शायद लाइब्रेरी में ही बैठे रहना ठीक रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके साझा करने योग्य अधिक अध्यायों से अपनी जिज्ञासा को शांत करें।